अरे चाय तो मैं भी घर से पीकर ही आया था। एक और पी लोगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। कुलसुम आंटी दिखाई नहीं दे रही। हाँ वो अम्मी और अमीन अंकल बाहर गए हैं घूमने। अमीन अंकल हाँ वो बचपन से आदत है ना उनको अंकल बोलने की। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा अब्बू बोलने में। हाँ ये बात तो है। कैसी गुजर रही है दोनों की लाइफ? बहुत अच्छी, वो दोनों बहुत खुश हैं। तुम जानते हो बचपन में अब्बू के जाने के बाद अमीन अंकल ही थे जो हमारा सहारा बने। बचपन से कभी बाबा की कमी महसूस ही नहीं होने दी अमीन अंकल ने। हाँ ये बात तो है, मगर हिना उम्र के हिस्से में कौन शादी करता है, जबकि तुम्हारी और मेरी शादी की तारीख तय थी। बिलाल तुम जानते हो ये फैसला सरासर मेरा था। मेरी परवरिश में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो चाहती तो शादी कर सकते थे मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर उस वक्त शादी कर लेते तो लोग इतनी बातें ना बनाते। शादी पहले करती या बाद में इससे लोगों का क्या ताल्लुक। और बिलाल लोगों ने बातें कब नहीं बनाई। लोगों का काम है बातें बनाना, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। मगर तुमने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से हमारे रिश्ते पे क्या असर पड़ सकता है। प्लीज बिलाल मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। कौन है जो हमारी शादी के बाद अम्मी का ख्याल रखता। कोई और था ऐसा जो अमीन अंकल से ज्यादा बेहतर अम्मी का ख्याल रख सकता। दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। जिंदगी का सफर बिना हम सफर के नहीं गुजारा जाता बिलाल। मेरी सिचुएशन को समझो और हो सके तो अपनी मामा को भी समझाओ ना। उन्होंने मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया है, नाजिया के साथ मेरी मंगनी तय कर दी है, जबकि मैं खुश नहीं हूं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अरे जनाब आप यहाँ और मैं पूरे घर में आपको तलाश कर रहा हूँ। जनाब के चेहरे पर इतनी रौनक, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। असल में मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना घूमने चले। ये घूमने फिरने का कुछ ज्यादा ही शौक नहीं चढ़ गया आपको? क्या मतलब? मरी से आए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ। अरे जनाब मरी तो आपकी वजह से गए थे, मुझे तो स्वाद पसंद है। स्वाद में ऐसा क्या रखा है? वही जो मरी में नहीं रखा। बस बस बहुत हो गया घूमना फिरना, अब अगले सीजन में चलेंगे। अरे यही तो सीजन है घूमने का। घूमने फिरने का कोई सीजन नहीं होता। अच्छा तो फिर क्या होता है? मूड होता है, और फिलहाल मेरा घूमने फिरने का कोई मूड नहीं है। तो फिर जनाब का क्या मूड है भला? कोई मूड नहीं है। ये फूल किसके लिए? अरे हाँ बातों बातों में तो मैं ये भूल ही गया था, ये फूल आपके लिए। शुक्रिया। ये आप खुद लगाएंगे या मैं लगा लूं? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने हाथों से लगा देता हूँ। आपको इजाजत की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। वेलकम। अम्मी वो नरगिस आंटी की कॉल। मैं बाद में आती हूँ। हिना बेटा आप हिना कमाल करते हैं। अबे क्या कर दिया, फूली तो लगा रहा था मैं। फिर भी देखा करे ना, बच्ची है घर में। अच्छा छोड़ो ना, ऐसा करते हैं कि ये थैंक यू। सो क्यूट। बेटा ये लो बेटा। थैंक यू। कौन है बेटा, उठा लो। फिजा है। कुछ जरूरी बात करनी होगी, बात कर लो। अरे ये वैसे ही सर खाती है, फजूल बोलती है। हेलो क्या फिजा, खाना तो सुकून से खाने दो, क्यों तंग कर रही हो? फिजा मैं करती हूँ बात, प्लीज फ्री होके। क्यों बिलावजह उस पर गुस्सा कर रही हो?
ढीठ लड़की है, आप नहीं समझेंगे। फिर भी किसी से इस तरह कभी बात नहीं करनी चाहिए। सॉरी। छोड़ो ना कुलसुम, वो बच्चियों का आपस का मसला है, आपस में डील कर लेंगी वो। ठीक है भाई, इन लोगों की मर्जी है। देखा, कहा था ना ढीठ लड़की है ये। अब करती रहो फोन, मैंने फोन ही ऑफ कर दिया। आजकल के बच्चे ना सिर्फ अपनी चलाते। ये ना बेटा। जी अमीर अंकल। क्या हो रहा है? बस सोने लगे थे। अच्छा चलो फिर सुबह बात करते हैं। नहीं आप प्लीज आइए। क्या हुआ? बेटा मुझे तुमसे बिलाल के सिलसिले में बात करनी थी। उसका फोन आया था, कह रहा था कि हिना से कहें कि मुझसे बात कर ले। मैं उससे क्या बात करूं अमीन अंकल? बेटा उसने नादिया से शादी से इनकार कर दिया है और इस बात को लेकर उसके घर में बहुत हंगामा बरपा हो गया। वो अपनी अम्मी के फैसले के खिलाफ कैसे जा सकता है? बेटा, तुमने हमारे लिए जमाने की परवाह नहीं की। इन हालात में हम तुम्हें कैसे तन्हा छोड़ सकते हैं? लेकिन इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मीन अंकल, मैं क्या करूं? देखो बेटा, वो तुम्हें पसंद करता है और ये सब कुछ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा है। बहुत परेशान था वो, तुम अगर फोन पर उससे बात कर लोगे तो बेहतर रहेगा। जी मैं बात कर लूंगी। देखो बेटा, अपने आप को तन्हा मत समझना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। कोई भी बात हो खुलकर शेयर करो। थैंक यू सो मच अमीर अंकल। अरे बावली हो गई है क्या? बाप को भी भला कोई थैंक यू बोलता है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बाप बेटी आपस में बात कर रहे हैं। हो गई बातें? हाँ हो गई। तो फिर चले। 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 अरे भाई अब तो मजे ही मजे हैं हमारी नई नवेली दुल्हन के। बाज आ जाओ नरगिस, अब बहुत हो गया। अच्छा बाबा बस कर दिया। वो फहमीदा और आई थी, कह रही थी कि हमारी तरफ से भी दुल्हन को मुबारकबाद दे देना। बस भी कर दो, कब तक मुबारकबाद देते रहोगे तुम लोग? बस हो गई ना शादी, हो गया सब कुछ खत्म। अब बस पहली फुर्सत में मेरी हिना के हाथ पीले करने हैं मुझे। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो ना तो मुझे जरूर बताना। तुम बिलाल वालों से दोबारा बात कर लेती? ना बाबा ना, बिलाल की माँ को तो तुम जानती हो ना, मेरी शादी में कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था उन्होंने। बहुत ही अड़ियल खातून है भाई, लड़का तो बहुत अच्छा है मगर उसकी माँ। ना बाबा ना, बस तुम दुआ करो नरगिस, अल्लाह पाक मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। तुम तो जानती हो ना कि मेरी शहजादी कितनी प्यारी है। हाँ माशाल्लाह प्यारी तो है, बस खुदा उसके नसीब अच्छे करे। जवान बेटी घर पर है, जरा आंखें खुली रखना। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बस अमीन पे नजर रखना, उसको हिना के आसपास ज्यादा भटकने ना देना। ये आजकल के मर्द है ना, इनको ज्यादा शरीफ ना समझना, कब नियत खराब हो जाए। क्या कह रही हो नरगिस तुम, वो बाप की जगह है उसके? बाप की जगह है मगर बाप तो नहीं है ना। देख कुलसुम, सौतेला सौतेला ही होता है, याद रखना। मेरा काम था तुझे समझाना, मैंने समझा दिया, बाकी तू जमाने को अच्छी तरह से जानती है, आगे तेरी मर्जी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे जरूरी काम है। चल ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाप की जगह है मगर बाप तो नहीं है ना। देख कुलसुम, सौतेला सौतेला ही होता है, याद रखना बस। तुमसे ज्यादा समझदार तो अमीन अंकल निकले, कम से कम वो मेरी फीलिंग समझा तो पाए। शिकवे कर लो या बात। देखो ये ना, शिकवे और बात दोनों ही जायज है,
और तुम्हें सुननी पड़ेगी। अच्छा ऐसा है तो फिर सुनाओ। लड़ क्यों रही हो? कौन लड़ रहा है? तुम और कौन? मैं नहीं लड़ रही, बोलो। अच्छा आई लव यू। बात को घुमाओ मत। अरे क्या हो गया है तुम्हें? आई लव यू बोला है, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कल बात करेंगे, बाय। अरे मगर मेरी बात। हिना, हिना बेटा देखो कितना दिन चढ़ गया है बेटा, उठो चलो उठ जाओ। उठ रही हूँ। मैंने आज अपनी बच्ची के लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। अरे आपने क्यों बनाई मामा? मैं खुद बना लेती ना। बिलाल आया है तुमसे मिलने के लिए। उससे क्या काम हो सकता है? बेटा तुमसे मिलने आया होगा, कोई ज़रूरी काम होगा, और उससे ठीक से बात करना। तो उसने अब आपको भी अपनी बातों में फंसा लिया। मैं जाती हूँ जरा इसकी। अरे बेटा खबर लेती हूँ। चाय तो पीती जाओ और ठीक से बात करना उससे। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी, हर काम उल्टा है इसका। ये इतनी सुबह सुबह, कोई खास मकसद? बात करनी थी। किस बारे में? शादी के बारे में। अम्मी को साथ नहीं लाए? तुम जानती तो हो अम्मी को मनाने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। कोई वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बिलाल की अम्मी से बात करके उनको राजी कर लिया है। क्या सच्ची? बेटा इस उम्र में तुमसे मजाक करता हुआ अच्छा लगूंगा। तुम लोग अब ऐसा करो कि जल्दी से शादी की तैयारी पकड़ो। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अम्मी को बता कर। अरे नहीं नहीं बेटा, ये गजब मत करना। तुम्हारी अम्मी के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। हम ऐसा करते हैं कि कोई सरप्राइज प्लान करते हैं, उसमें उसको बताएंगे। जैसे आपको बेहतर लगे। तो फिर ऐसा करते हैं कि कोई सीक्रेट पार्टी अरेंज करते हैं, उसमें तुम्हारी अम्मी को सारी बात बता देंगे। अगर मेरी अम्मी ने खुद बता दिया तो? बरखुरदार, आप किस दिन काम आएंगे आप मत बताने देना उनको। ठीक है। क्या कह रहा था बिलाल? हाँ कुछ नहीं, बस मिलने आया था। तो है ना? हाँ बस मिलने आया था।
तुम यहाँ क्यों? मैं यहाँ पर नहीं आ सकती? मेरा मतलब ये कि आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ताजा हवा खाने छत पर आ गया। ताजी चीजें तो बहुत पसंद है ना आपको? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? कहना ये चाह रही हूँ कि आज आप कुछ घबराए भी नहीं है। भाई मैं क्यों घबराने लगा, क्या कर लिया मैंने ऐसा? शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? क्या मतलब? घटिया इंसान, मेरी बेटी पे गंदी नजर रखते हो तुम। ए, क्या होल बक रही हो, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं कभी ऐसा सोच भी सकता हूँ? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। मैं भी कहूँ, कोई मर्द इतना शरीफ कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे इसलिए शादी की कि तुम मेरी बेटी को तहफ्फुज़ दो, लेकिन तुमने मेरी बच्ची पर गंदी नजर डाली, खरीद से डाली। मैं चाहूंगी मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे क्या हुआ अम्मी? क्या, क्यों रो रही? मार दिया इसको, इसको मार दिया, इसको मार दिया अम्मी। आप पागल हो गई अम्मी, ये क्या कर दिया आपने? मार दिया, मार दिया। आप उनकी नियत पे कैसे शक कर सकती हैं? वो फरिश्ता सिर्फ इंसान थे अम्मी, वो बदनीयत इंसान नहीं थे, वो बदनीयत इंसान नहीं। और जानती है वो तो आपको, वो आपको मेरी और बिलाल की शादी की खबर सुनाने के लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज कर रहे थे कि हम तुम्हारी माँ को ये बड़ी खबर एक शानदार तरीके से बताएंगे ताकि वो खुश हो जाए। वो देखे वो केक उन्होंने मंगवाया कि हम एक शानदार तरीके से तुम्हारी माँ को ये बताएंगे। आ, 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 आ,